नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों प्री BSTC 2019 ये बहुत ही जल्दी यानी कि 26 मई को होने जा रहा है। अब लास्ट टाइम पे आपके लिए थोड़ी सी टेंशन हो सकती है कि इसे क्लियर कैसे किया जाए, कितने नंबर लाने पर ये क्लियर होगा और हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो या किस पार्ट को ज्यादा सॉल्व किया जाए या अच्छे से सॉल्व किया जाए जहां नंबर इतने अच्छे आ जाए कि हम उस कट ऑफ को पार कर जाए जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है। ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं ताकि आप भी बहुत ही अच्छे से बड़ी आसानी से BSTC को क्लियर कर पाए। तो डटे रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे प्री BSTC राजस्थान 2019 के बारे में जो अभी 26 मई को होने जा रहा है। आप सबने तैयारी की होगी और अब इस टाइम आप बड़े जोर शोर से लग रहे होंगे, खास करके वो मेरे भाई बहन जो फर्स्ट अटेम्प्ट ये बैठ रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी यूजफुल साबित होगा क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हमें किस पार्ट में मेहनत ज्यादा करने के बाद बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं और किस पार्ट में मेहनत करने के बाद भी नंबर कम आते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर सब कुछ हो जाए। तो देखिए, ये जो प्री BSTC होता है ये चार भागों में है। आपके 600 नंबर का कुल एग्जाम होगा और 150 नंबर का एक एक पार्ट होता है। तो चार पार्ट हो गए आपके, ये 600 नंबर के हो गए। अब इन चार पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट है जिसपे सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है या कोचिंग्स में भी और सभी जगह, वो होता है GK। तो चूंकि राजस्थान का मामला है तो GK राजस्थान इसमें आता है। अब 150 में से आप GK में कितने ला पाते हैं? तो देखिए, GK एक अथा सागर है, सामान्य ज्ञान एक अथा सागर है जिसमें पूरा अंत तक डुबकी लगाना सभी के लिए संभव नहीं है। तो मान के चलिए यहां आप अगर GK में 50% भी ला पाते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा, यानी कि आप लाएं 70 से 75 नंबर के आसपास 150 में से GK में, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ी चीज ये कि इसमें इतने नंबर कम क्यों आते हैं? देखिए, GK में काफी पार्ट हैं, आपके शिक्षा, कला, संस्कृति, इतिहास, इसके अलावा भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सब पार्ट आपके GK में शामिल होते हैं। यहाँ किस किस पार्ट में कितना कितना आएगा ये कहना मुश्किल होता है, साथ साथ इसमें करंट GK भी शामिल होता है। इसलिए GK के बारे में कहा जाता है कि आप अगर 50% भी कर पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा मामला साबित हो सकता है। दूसरा है आपका इसमें मानसिक योग्यता। अब मानसिक योग्यता में क्या है कि ये भी 150 का है, लेकिन अगर आप इसमें मेहनत करें तो 120 और 30 के बीच नंबर बड़े आराम से खींच सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर इतने आते हैं, जो सेलेक्ट लोग हैं उनकी मार्कशीट आप उठा के देखिएगा, इस पार्ट में उनके नंबर अच्छे मिलेंगे। तीसरा पार्ट होता है शिक्षण अभिरुचि, ये वो पार्ट है जिसमें 130 नंबर तो कम से कम आप ला सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इस पार्ट को मैं समझा देता हूँ क्योंकि ये पार्ट काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। इस पार्ट में इतने ज्यादा नंबर क्यों आते हैं ये आप ध्यान रखें और कैसे आएंगे ये बता देता हूं आपको। देखो, जब भी आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरत होती है पॉजिटिव सोच की। ये पार्ट उसी पर आधारित है, यानी कि शिक्षण अभिक्षमता में आपका कोई क्वेश्चन आता है उसका जितना ज्यादा आदर्श उत्तर आपके पास है वही आपका सही उत्तर है, वही आपको पूरे नंबर दिलाएगा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी इसी पार्ट में भरी हुई है। उदाहरण दे देता हूं, मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है आपके कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा आपके कहने पर ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही वो पढ़ाई में ध्यान देता है, बार बार शोर करता है, बार बार ऐसी हरकतें करता है जिससे कक्षा में अन्य छात्रों का ध्यान बट रहा है, तो आप क्या करेंगे? अब आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप बच्चे को क्लास से बाहर निकाल देंगे, आप बच्चे की शिकायत उसके माता पिता से करेंगे, आप बच्चे को शारीरिक दंड देंगे, या आप बच्चे के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है और उसके निराकरण के प्रयास करेंगे। तो यहाँ आदर्श उत्तर जो है वो अंतिम है कि बच्चे के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बाकी शारीरिक दंड, कक्षा से बाहर निकालना और माता पिता से शिकायत करना, ये तीनों नेगेटिव उत्तर हुए। आपको इस पार्ट में पॉजिटिव उत्तर देना है और केवल एक ही बात याद रखनी है कि पॉजिटिव और प्रैक्टिकल उत्तर ही देना है, वरना आप इस पार्ट में मात खा जाएंगे। और अगर ये थोड़ी सी चीज आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये पार्ट बाकी अन्य तीनों पार्टों से बहुत ही अच्छे नंबर देगा और सिलेक्शन में इसका ज्यादा से ज्यादा योगदान हो सकता है। अब बात करते हैं चौथे पार्ट की, जो आपका भाषा से संबंधित है। इसमें इंग्लिश,
हिंदी और संस्कृत तीन पार्ट हैं। अब जो भाषा आपने चुनी है, जो भाषा आपकी कमांड है, वो आपको काम आएगी। इंग्लिश के इसमें जो 20 क्वेश्चन होते हैं और हिंदी के इसमें 30 क्वेश्चन, संस्कृत के भी इसमें 30 क्वेश्चन। तो आप चूंकि संस्कृत से बैठ रहे हैं, सब्जेक्ट है आपका और हिंदी है आपका या इंग्लिश है आपका, तो आपके अपने सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आने चाहिए। यानी कि 150 में से आप 100 से 110 नंबर भी इस पार्ट में ला सकते हैं। इस प्रकार चारों पार्ट मिलाने के बाद अगर आप नंबर ले आते हैं 420 और 30 के बीच, तो आपका सिलेक्शन पक्का, क्योंकि यही इसकी अंतिम कट ऑफ अभी तक रहती आई है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस बार 2019 में कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो तब तक आपको करना होगा इंतजार। और साथ साथ एक चीज और बता देता हूं आपको, लास्ट टाइम पे पॉजिटिविटी बहुत मायने रखती है, एग्जाम में भी और साथ साथ काम में भी। आप पूरी नींद लें, हल्का भोजन करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, दिमाग में टेंशन ना रखें, सोशल मीडिया से खास करके दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव एनर्जी बनाने के लिए पॉजिटिव चीजों के टच में रहें। और सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज आपके लिए आपकी बुक, और आपके घर वाले, आपके परिजन, आपके शुभचिंतक ही हैं, तो उनके टच में रहें ताकि आपको इस एग्जाम में सफलता में उनका भी योगदान हो सके और आप सफलता हासिल कर सकें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, पसंद आया सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दें। बेल आइकन दबा देंगे आप तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी दूसरे वीडियो में जिसमें मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा प्री बीएसटी 2019 की, हाजिर होता हूं थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए नमस्कार।